आपको भी यह पता चल जाएगा कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। कहानी नंबर एक। जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए निकले थे तो उन्होंने एक भव्य रूप धारण कर लिया था, पर जब वह श्रीलंका में पहली बार उतरे तो जहां उन्होंने पहली बार अपने पांव रखे वहां उनके पैरों के निशान पड़ गए, जो कि आज भी हमें दिखाई देते हैं। कहानी नंबर दो। सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट है जिसका यह दावा है कि धरती पर आज भी ऐसी जगह है जहां पर हनुमान जी लोगों को मिलने 41 साल बाद आते हैं। यह जगह श्रीलंका में है। यह मांतक आदिवासियों का कबीला है। यह कबीला पूरी दुनिया से कटा हुआ है। जब श्री रामचंद्र जी ने समाधि ली थी तो हनुमान जी ने अयोध्या छोड़ जंगलों में रहना शुरू कर दिया था। तब वह श्रीलंका के जंगलों में पहुंचे। उन्होंने वहां श्री राम की आराधना करनी शुरू की। तब वहां के मांतक कबीले वालों ने उनकी खूब सेवा की और उनकी सेवा से खुश होकर हनुमान जी ने उनको हर 41 साल बाद मिलने के लिए वचन दिया। एक बार 27 मई 2014 को मांतक कबीले वालों से श्री हनुमान जी मिले थे। कबीले का मुखिया हनुमान जी द्वारा बोले गए हर शब्दों को अपनी पुस्तक में लिखता है। अगली बार इन कबीले वालों का दावा है कि हनुमान जी उनसे 2055 में मिलेंगे। इन कबीले वालों का पूरा भरोसा है कि श्री हनुमान जी आज भी जिंदा है और हिमालय के पर्वतों में रहते हैं। दोस्तों, यह थे कुछ दस्तावेजी सबूत, पर मैं आपको अब कुछ ऐसे सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। कहानी नंबर तीन। यह वीडियो दिल्ली का है जिसमें दो पर्यटक खड़े होकर कुतुब मीनार के सामने अपनी फोटो खिंचा रहे हैं, पर तभी कुछ उनके कैमरे में ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसे देखकर वह कैसा भी लोग चौंक जाते हैं। ये वीडियो मोड में आ गया है। वेट अ मिनट, अभी पीछे देख तो क्या है। इस वीडियो में एक परछाई इधर उधर जाती दिखाई देती है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी परेशान हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह राम भक्त हनुमान जी हैं जो कि कलयुग में भी अपने जीवित रहने का सबूत दिखा रहे हैं। कहानी नंबर चार। यह वीडियो चाइना की राजधानी शंघाई की है जिसमें कई बादल गरज रहे हैं, पर इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसे देख लोग चकरा जाते हैं। यहाँ पर एक परछाई अपनी ओर बिजली को खींच रही है। इस वीडियो की हमारे पास कई दूसरी फुटेज भी है जो कि आप अभी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी तक ही था। मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, हमारे इस चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।